आज हम एकदम सिंपल और इजी तरीके से मैंगो फ्रूटी बनाएंगे। मैंगो फ्रूटी बच्चों को बहुत ही पसंद है और बाहर से हम खरीद के पिलाते हैं तो इसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव ये सब रहता है, तो बच्चों के लिए अच्छा भी नहीं है। अगर घर में बनाएंगे तो ये कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है और हेल्दी भी बनेगी। दो पके हुए हापुस आम लिए हैं, एक मीडियम कच्चा आम लिया है। आम को पहले छील लेंगे। इस तरह से आम को छील लेंगे। दोनों आम छील लिया है, इसे भी छील लेंगे और इसका पीस कर लेंगे। इस तरह से इसे चॉप कर लेंगे। पके दोनों आम को मैंने चॉप कर लिया है। अगर ये मीठा है तो हमें इस तरह से ये खट्टा आम आता है ये डाल सकते हैं। अगर ये पका हुआ आम जो थोड़ा सा खट्टा है तो हम ये वाला आम डालेंगे। इसे टोटा पूरी आम या बाटला आम भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा मीठा रहता है, ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। मैंने जो आम लिया है ये मीठा है, इसके लिए मैं ये वाला आम डाल रही हूँ। इसे छील के चॉप कर लेंगे। कच्चे आम को भी चॉप कर लिया है, इसमें डाल देंगे। आम को हमें कुक करना है। कुकर में मैंने पानी डाल के एक रिंग रखा है, इसमें ये आम का डब्बा रखेंगे। ढक्कन बंद करके 3 सीटी तक कुक करेंगे। शुगर सिरप बनाएंगे। 1 कप शुगर ली है, एक सॉस पैन में डालेंगे। 1 कप पानी डालेंगे। गैस ऑन करेंगे। कंटिन्यू चला के शुगर को मेल्ट करेंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, सिरप में एक बॉईल आ गया है। फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसे बॉईल करेंगे। सिरप को रूम टेम्परेचर पर आए तब तक ठंडा करेंगे। आम को 3 सीटी तक कुक करके रूम टेम्परेचर पर आए तब तक ठंडा किया है। इसे एक मिक्सर जार में ले लेंगे। गरम आम को मिक्सर जार में डाल के क्रश नहीं करना है, नहीं तो ढक्कन खुल जाएगा और आम सब बाहर आ जाएगा। पल्प को स्ट्रेनर में डाल देंगे। पल्प को स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से आम में जो कोई भी रेसे होंगे वो सब निकल जाएंगे और फ्रूटी एकदम स्मूथ बनेगी। आधा कप ठंडा पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया है, ये डाल के स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन हो गया है, इसे मिक्स कर लेंगे। बाकी का शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप आम खट्टा हो उस हिसाब से डालना है, जितना अंदर आए उतना ही डालना है। थोड़ा डाल के टेस्ट कर लेना है। हम सारा शुगर सिरप डाल रहे हैं। फ्रूटी को थोड़ा पानी डाल के पतला करेंगे। जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना हमें पानी डालना है। पहले मैंने आधा कप डाला था, अभी और आधा कप डाल के देख लेते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी डाला है। आठ से दस आइस क्यूब डालेंगे। कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करेंगे। आधा कप पानी और डालेंगे।
टोटल हमने 1.5 कप पानी डाला है। मैंगो फ्रूटी रेडी है, इसे फ्रिज में 2 घंटा रख के ठंडा कर लेंगे। मैंगो फ्रूटी रेडी है, इसे हम ग्लास में सर्व करेंगे।